चलिए सीधा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सरगना अखिलेश अपने घोषणा पत्र को जग जाहिर कर रहे हैं। अभी तो अग्निवीर की है, इन्होंने फौज का किया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा, और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई, ये भी पढ़ लेना अपना चलाना। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आज़ादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। हाल ही में भी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुकोई और मिराज भी थे। जनता जानती है, जनता समाजवादियों पे भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है।